तो नर्मदा प्रसाद प्रजापति बन गए हैं मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष। तो नर्मदा प्रसाद प्रजापति को मिले हैं 120 वोट, मत विभाजन से उनका फैसला हुआ। स्पीकर के पद को लेकर जो फैसला चल रहा था, मत विभाजन का दौर जारी था, बीजेपी विधायकों ने इस वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया है और नर्मदा प्रसाद प्रजापति को इस वक्त अध्यक्ष बना दिया गया है। वोटिंग के वक्त विपक्षी विधायक जो है बाहर प्रदर्शन कर रहे थे और मत विभाजन के दौरान 120 वोट नर्मदा प्रसाद प्रजापति को मिला है, तो वो अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। अब विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर नर्मदा प्रसाद प्रजापति को चुन लिया गया है। मत विभाजन के जरिए उनका चुनाव हुआ है, 120 वोट उनको मिले हैं। वहीं विपक्ष ने इस वोटिंग की प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लिया क्योंकि वे बाहर थे और विरोध जता रहे थे। तो नर्मदा प्रसाद प्रजापति विधानसभा अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। मध्यप्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष नर्मदा प्रसाद प्रजापति को चुन लिया गया, मत विभाजन से उनका चयन हुआ है और इस पूरी प्रक्रिया में विपक्ष ने हिस्सा नहीं लिया क्योंकि वो सदन के बाहर लगातार विरोध कर रही थी। तो 120 वोट नर्मदा प्रसाद प्रजापति को मिले हैं और इसके बाद उन्हें विधानसभा का अध्यक्ष चुन लिया गया है। तो नर्मदा प्रसाद प्रजापति को 120 वोट मिले। सुधीर दंडोतिया हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुधीर, आखिरकार एनपी प्रजापति को चुन लिया गया है अध्यक्ष? बिल्कुल, देखिए एक परंपरा रही है कि जो स्पीकर या प्रोटेम स्पीकर होते हैं वो सदन में चुनावी प्रक्रिया में भाग नहीं लेते, हालांकि ये कोई नियम नहीं है और उस परंपरा का निर्वाह जो है कांग्रेस विधायक दल की ओर से किया गया था। प्रोटेम स्पीकर दीपक सक्सेना ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया था, पर शेष जो 120 विधायक थे 121 प्रोटेम स्पीकर को छोड़ दिया है, सभी वोट एनपी प्रजापति को मिले और 120 वोट के साथ विधानसभा के अध्यक्ष बन गए हैं एनपी प्रजापति और उन्होंने पदभार भी ग्रहण कर लिया है। विधानसभा में मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ना केवल उनका स्वागत किया बल्कि ये तक कहा कि अगले 5 साल जो है सदन की गरिमा बनी रहेगी और वक्त बदलाव का है, यानी कि सीधे तौर पर विधानसभा के अंदर उन्होंने कहा कि इस समय समय बदल गया है, परंपरा बदल गया है, लोगों की आशाएं बदली हैं और ये आशाएं बदलती हुई जो है सदन के अंदर साफ दिखाई दे रही है। वहीं पर विधानसभा अध्यक्ष इन बदलाव को अच्छी तरीके से जानते हैं, तो एक जो प्रक्रिया थी लंबे समय से जो रस्ता कैसी चल रही थी मध्य प्रदेश में विधानसभा अध्यक्ष पद को लेकर, वो अब सस्पेंस पूरी तरह खत्म हो गया है। मध्य प्रदेश विधानसभा के नए अध्यक्ष एनपी प्रजापति, विधानसभा की कार्रवाई जारी है, अब राष्ट्रपति होना है और उसके बाद में यह माना जा रहा है कि राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान बीजेपी मौजूद रहती है या नहीं रहती है, क्योंकि सदन से बीजेपी ने बहिष्कार किया था और उसके बाद में राजभवन तक पैदल मार्च करते हुए इसे लोकतंत्र की हत्या बताते हुए जो विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव है उसको चुनौती बीजेपी के द्वारा दी जा रही है। निर्णय आगे राज्यपाल को लेना है, हालांकि 120 वोट अगर मिले हैं तो उसके बाद में निर्णय पलटने की गुंजाइश काफी ज्यादा कम है। कमलनाथ ने एक बार फिर साबित किया है कि बहुमत उनके साथ में है, सभी विधायकों को एकजुट रखने में वो पूरी तरह कामयाब रहे हैं। लगातार बीजेपी की ओर से जो एक आरोप कांग्रेस लगा रही थी कि खरीद फरोख्त का, उस आरोप को भी कहीं ना कहीं जुटलाया है, हालांकि बीजेपी इन आरोपों को पहले भी इनकार करती रही थी, पर लेकिन कमलनाथ लगातार जिस तरीके से शुरुआत से कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे, एक बार फिर उन्होंने ये साबित किया कि भले ही 114 विधायक उनके पास में है वो समर्थन से 2 कम हो, पर लेकिन जिन समर्थित विधायकों के साथ में वो सरकार चला रहे हैं उनका समर्थन उनके साथ में है और सरकार पूरी तरह स्थिर है। ये मैसेज इस विधानसभा अध्यक्ष चुनाव के बाद कमलनाथ ने देने की कोशिश की है। जी सुधीर, तो क्या माना जाए कि मतलब आप 120 अगर वोट मिले हैं तो कहीं ना कहीं ये राहत की बात भी है कि कहीं कोई क्रॉस वोटिंग नहीं हुई या कोई भी जो उनके साथ जो लोग थे जो विधायक रहे हैं चाहे निर्दलीय हो चाहे दूसरे, ये उनके साथ ही रहे आखिरी तक? बिल्कुल, देखिए कमलनाथ, न केवल ये राहत की बात है बल्कि अपने कांग्रेस के जो विधायक है जो लगातार इस संसद में थे कि अल्पमत की सरकार अगर है तो 5 साल कैसे चलेगी और अलग अलग धड़ों के जो चलिए। सुधीर, इस वक्त हम अपने दर्शकों को ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कि अब जो है एनपी प्रजापति अध्यक्ष बन चुके हैं और फिलहाल वे पद पर बैठ रहे हैं और साथ में उनके कमलनाथ और प्रोटेम स्पीकर भी इस वक्त मौजूद हैं। तो एनपी प्रजापति प्रजापति सुधीर नर्मदा प्रसाद प्रजापति ने आखिरकार पदभार ग्रहण कर लिया, वो अध्यक्ष बन चुके हैं। अब जो आगे की प्रक्रिया की आप बात कर रहे थे, जिस तरीके से अब आनंदीबेन पटेल का भी अभिभाषण होना है, ये क्या इसमें जरूरी है? क्या भाजपा के जो विधायक है जो सदस्य है उनमें यहाँ पर मौजूद रहना उनका क्या जरूरी है? देखिए बिल्कुल, अगर नियम और प्रक्रिया की बात करें विधानसभा की तो कोरम पूरा होना जरूरी होता है विधानसभा की कार्रवाई के दौरान और जो है 10-30 विधायकों के साथ में पूरा होता है, यानी कि अगर 230 विधायकों की संख्या मध्यप्रदेश के अंदर है तो महज 30 विधायकों के साथ में भी सदन की कार्रवाई को चलाए रखता है, पर लेकिन मजबूत लोकतंत्र के लिए विपक्ष का रहना ज्यादा जरूरी है। सरकार को हराकर दिखाते हैं और राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान एक
विजन जो है वो सरकार का सामने रखा जाता है। आने वाले 5 साल में सरकार किस तरीके से काम करेगी, राज्यपाल के अभिभाषण के अंदर कहीं ना कहीं इसकी झलक दिखाई देती है। और अगर उस झलक के दौरान, सरकार के विजन के दौरान अगर विपक्ष मौजूद ना हो तो कम से कम विपक्ष को ये नहीं पता होगा कि सरकार क्या प्राथमिकता के साथ में तय करने वाली है। और यही वजह है कि हमेशा ये परंपरा रही है कि जब भी राज्यपाल का अभिभाषण हो तो सभी सदस्य विधानसभा के अंदर मौजूद रहते हैं। अगर कोई विशेष बात या फिर कोई विशेष कारण, चलिए आप सुधीर आपको यहाँ रुकेंगे, कमलनाथ कुछ कह रहे हैं। आप जैसे अध्यक्ष मध्य प्रदेश विधानसभा चुने गए, जो और भी कुछ लोग भारत विरोधी दल सरसैनिक सिंह जिसे आप चुनते, मुझे पूरा विश्वास है कि अगले 5 साल इस सदन की गरीब विधानसभा मध्य प्रदेश की थी और पिछले 10 साल में जो दो विधानसभा समय बनता है, लोगों की आशाएं, लोगों की आकांक्षाएं और परिवर्तन हुआ है। और मुझे खुशी है कि आप जैसे अध्यक्ष उस कुर्सी पर बैठे जो ये परिवर्तन आपने चल रही है। और मुझे पूरा विश्वास है कि देश की विधानसभा में मध्य प्रदेश की विधानसभा दूसरी विधानसभा